ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के कंडाघाट में एक व्यक्ति की खाई में गिरने से मौत हो गई है। मृतक नालागढ़ का बताया जा रहा है, जो अपने साथियों के साथ ट्रक में बजरी लादकर सोलन आया था। बताया जा रहा है कि देर रात वे कंडाघाट के समीप खड़े थे कि अचानक मृतक का फोन किसी खाई में गिर गया था। जब वह मोबाइल की तलाश कर रहा था तो उसका अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह खाई में गिर गया और उसकी मौत हो गई। सोलन के कंडा घाट में एक व्यक्ति की खाई में गिरने से मौत हो गई। मृतक नालागढ़ का बताया जा रहा है, जो अपने साथियों के साथ ट्रक में बजरी लादकर सोलन आया था। बताया जा रहा है कि देर रात तक वह कंडा घाट के समीप खड़ा था कि अचानक मृतक का फोन इसी खाई में गिर गया। मृतक अपने फोन को खोजने का प्रयास कर रहा था, हालांकि मौके पर उसके मित्रों ने उसे खाई के समीप जाने से भी रोका, लेकिन वह नहीं माना। और जब मोबाइल की तलाश कर रहा था तो उसका अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह खाई में गिर गया और उसकी मौत हो गई। अधिक जानकारी देते हुए दमकल विभाग के अधिकारी राजा राम ने बताया कि उन्हें एसडीएम कंडाघाट द्वारा घटना की सूचना मिली। सूचना मिलते ही उनकी टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि मृतक का शव, जो कि बेहद खाई में फंसा हुआ था, शव तक पहुंचने का कोई भी मार्ग नहीं था, इसलिए शव को निकालने के लिए भारी मुशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि शव के शरीर पर केवल अधोवस्त्र ही थे। ये एक साधारण घटना है या कोई सोची समझी साजिश? सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु के असल कारणों का खुलासा हो पाएगा। कंडा घाट में एक एक्सीडेंट हुआ, जिसकी सूचना हमारे को एसडीएम साहब कंडा घाट ने 13:36 बजे दी, और हम जो है तुरंत सूचना मिलते ही घटनास्थल के रवाना हुए। ये घटना जो है शिवालिक फैक्ट्री के साथ एक ढांक के नीचे जो है एक ट्रक ड्राइवर गिर गया था, जिसको रेस्क्यू टुकड़ी ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। और उसके जो है बदन पे कपड़े नहीं थे, बनियान और अंडरवियर में ही वो व्यक्ति था। रेस्क्यू में हमारा काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि बॉडी जो है ढांक में फंसी थी और जाने के लिए रास्ता कोई नहीं था, और लगभग जो है आधे घंटे उसको निकालने के लिए हमारा लगा। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एसटीडी के साथ। नमस्कार।